पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दर्शकों, फेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आमिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं 4 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म बनारस के स्टार कास्ट, जिसमें हमारे साथ जैद और सोनल मौजूद हैं, तो आपकी जो है मुलाकात करा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, जानना चाहेंगे क्या किरदार रहा है? सर, किरदार का नाम सिद्धार्थ है और ये कॉलेज स्टूडेंट है। और इससे ज़्यादा मैं ज़रा कुछ बता ही सकता मेरे कैरेक्टर के बारे में, बिकॉज मेरा कैरेक्टर बहुत कंटेंट से बहुत अटैच है। उसको ज़रा रिस्पॉन्स देता हूँ। पहली मूवी कैसा जो है एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था, शानदार और वो उसको मैं पहले पहली बार था, सारी कमी था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से शूटिंग किया था और पॉजिटिव एनर्जी से खत्म भी किया था शूटिंग हम लोगों ने। और वहाँ का एवरीडे आफ्टर शूटिंग हम लोग गंगा आरती के लिए जाते थे, वहाँ का पूजा, स्वीट्स, तो बहुत बहुत एंजॉय करते थे बनारस का। एक एक क्या बोलते हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ बनारस को बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, शूटिंग फॉर बनारस इन बनारस। एंड और एक इज द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द प्लेस, बहुत बहुत स्पिरिचुअल जगह है, बहुत पीस मिलता है वहाँ। तो या आई थिंक वी एंजॉयड एवरी बिट ऑफ शूटिंग। अगर दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहें तो इसमें सॉन्ग कितने हैं? सर, इसमें 4 गाने, 3 गाने ऑलरेडी रिलीज हो गए और मैं तो बहुत सपोर्टिव हूँ और 1 गाना बाकी शायद, वो गाना रिलीज होने के बाद बनारस बहुत सेंसेशन में चला जाए। इट इज़ अ विजुअल क्लिप सॉन्ग और जो भी दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म में ऐसा दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा जिसमें दर्शक खींचे चले जाएँ? सब कुछ है, इट्स अ पैकेज। अभी एक ऑडियंस थिएटर जाएंगे तो एक एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं कि हम लोगों को इतना ही रोमांस चाहिए, एक्शन चाहिए, कॉमेडी चाहिए, सस्पेंस चाहिए, थ्रिल चाहिए, सो ये सब, और थोड़ा टाइम ट्रैवल भी चाहिए, सो ये सब इस फिल्म में है। सो इट्स अ पैकेज। सो आई थिंक इस फिल्म को देखना है तो एक रीज़न विजुअल ट्रीट, सेकेंड रीज़न ऑडियो ट्रीट। हमें शुभकामनाएं देते हैं, आपकी मूवी जो है बहुत सफल हो। तो दर्शकों, आप भी जरूर देखना चाहते हो बनारस।